आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। जन्माष्टमी में भगवान कृष्ण का प्रिय भोग पंजीरी जो धनिये से बनती है और उसमें हम ड्राई फ्रूट्स मिलाते हैं, तो आज हम देखेंगे कि उसके लिए किन चीजों की आवश्यकता होती है। ये मैंने सूखा धनिया जिसे खड़ा धनिया बोलते हैं लगभग 100 ग्राम लिया है। पीसी चीनी ली है, आप इसकी जगह जो बूरा आता है वो भी ले सकते हैं। ये आधा कटोरी ली है मैंने। मखाने लिए हैं लगभग 1 कटोरी, पौन कटोरी के लगभग सूखे नारियल के गोले को मैंने कद्दूकस करके इसका बूरा बनाया है। और ये 20 से 25 किशमिश है। ये 10-12 बादाम और काजू को मैंने बारीक काट लिया है। पहले हम कढ़ाई गर्म रखेंगे और इसमें डालेंगे धनिया पाउडर। गैस की फ्लेम एकदम मध्यम रखेंगे और थोड़ा सा उसमें घी डालेंगे। अब उसे लगातार चलाते हुए सेकना है हमें। इसे सेकने में थोड़ा टाइम लगता है। इसमें जब अच्छी खुशबू आ जाए और ये इसके दाने चटकने लगे तो समझिएगा कि धनिया सिका गया है। कुछ लोग धनिये खड़े धनिये की बजाय धनिया पाउडर से भी पंजीरी बनाते हैं, परंतु उसका टेस्ट इतना अच्छा नहीं होता जो खड़े धनिये को सेक के बनाने से होता है। अब एक कढ़ाई लेंगे, उसमें थोड़ा घी डालेंगे लगभग 1 चम्मच और उसमें कटे बादाम और काजू डाल के हमें रोस्ट करना है। हल्के गुलाबी रंग के हो जाए बस हमें उतनी देर तक ही उसे रोस्ट करना है। और अब हम उन्हें निकाल लेंगे कढ़ाई में से बाहर। अब किशमिश डालेंगे और उसे भी फूलने तक हम घी में रहने देंगे, लगातार चलाते रहेंगे। किशमिश फूल गई है तो उसे भी निकाल लें हैं। अब इसमें थोड़ा सा घी और डालेंगे, मखाने डाल के उसे भी अच्छे से हम गुलाबी होने तक सेक लेंगे। घी का प्रयोग मैं इसलिए थोड़ा थोड़ा कर रही हूँ क्योंकि पंजीरी में बहुत ज़्यादा घी अच्छा नहीं लगता, और हमने धनिये में भी घी डाला है और सारे ड्राई फ्रूट्स में भी हम थोड़ा थोड़ा करके घी डाल रहे हैं, इसलिए घी की मात्रा हम थोड़ी थोड़ी ही लेंगे। अब खोपरे बूरे को भी डाल लेंगे हम और मध्यम आंच में इसे भी हल्का गुलाबी होने तक सेकना है। ज़्यादा नहीं सेकेंगे नहीं तो ये इसका टेस्ट कड़वा हो जाएगा। सेका था वो जब ठंडा हो गया तो उसे मिक्सर जार में पीस लिया है और उसे छान लिया है, तो ये तैयार हो गया है। अगर आपके पास खड़ा धनिया नहीं है तो आपके पास जो मसालों में जो धनिया पाउडर यूज करते हैं उसे भी आप हल्की आंच में सेक लीजिए घी में, और उससे भी आप पंजीरी तैयार कर सकते हैं। तो अब इसमें हम मिलाएंगे जो मैंने शक्कर का पीस के बनाया था पाउडर, वो आप अपने अंदाज से इसे कम या ज्यादा कर सकते हैं। अभी मैं इतनी ही डाल रही हूँ। और जो हमने ड्राई फ्रूट्स तल के रखे थे, मखानों को मैंने थोड़ा थोड़ा तोड़ लिया है, अब वो मिक्स कर देंगे। और जो खोपरा हमने सेक के रखा था वो भी डाल देंगे और सबको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ये अच्छी तरह मिक्स कर लिया है और ये धनिये की पंजीरी जन्माष्टमी में भोग लगाने के लिए बिल्कुल रेडी है। तो आप भी इस तरीके से पंजीरी बनाइए और कान्हा जी को अवश्य भोग लगाइए, साथ में इसके ऊपर तुलसी दल अर्थात तुलसी का पत्ता अवश्य रखिए। उम्मीद करती हूँ मेरी ये
वीडियो आप लोगों के लिए उपयोगी होगा तो प्लीज इसे लाइक करें, फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जय श्री कृष्णा, राधे।